एक तरफ भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए दवाइयां, अनाज जैसी चीजें भेज रहा है, तो दूसरी तरफ वहां की तालिबानी सरकार भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है। इस बार तालिबान ने भारत की दुखती नस पर हाथ रख दिया है, जहां तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी एक सैन्य टुकड़ी का नाम पानीपत रख दिया है। इसे भारत को उकसाने की कोशिश के रूप में क्यों देखा जा रहा है, ये बताने से पहले हम पानीपत का इतिहास जान लेते हैं। पानीपत हरियाणा का एक छोटा सा जिला है। ये वर्तमान में वहाँ के कारखानों और हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पानीपत भारतीय इतिहास में तीन प्रमुख लड़ाइयों का गवाह रहा है और इन्हीं तीन लड़ाइयों ने अखंड भारत को खंडित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। पानीपत के युद्ध इतिहास पर नजर डाली जाए तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी। सम्राट हेमचंद्र उत्तर भारत के राजा थे और हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाव पेशवा के तहत मराठाओं के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाव को हराकर जीत ली थी। ये हार इतिहास में मराठाओं की सबसे बुरी हार थी। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह के हाथों मराठाओं की इसी हार को याद दिलाने के लिए तालिबान ने अपने ऑपरेशनल यूनिट का नाम पानीपत रखा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान इस ऐतिहासिक घटना पर राजनीति करते हुए भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान के तालिबानी आकाओं ने भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया हो। कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं कि मुस्लिमों को अपने समर्थन में करने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार लोगों को अहमद शाह दुर्रानी के किस्से सुनाती है। इन लोगों को मस्जिदों में पानीपत के युद्ध के बारे में बताया जाता है। पानीपत की लड़ाई को तालिबान अपने शौर्य के प्रतीक के रूप में देखता है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की मस्जिदों में कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन तक की चर्चा होती है और आम अफगान नागरिकों के मन में जहर घोलने का काम किया जाता है। जानकारी के मुताबिक पानीपत ऑपरेशनल यूनिट की तैनाती अफगानिस्तान के पूर्व प्रांत नागर हार में होगी। ये प्रांत पाकिस्तान की सीमा से लगता है। इसको लेकर अफगानिस्तान के आमज न्यूज ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पानीपत ऑपरेशनल यूनिट की तैनाती देश के पूर्वी प्रांत नागरहार में होगी। ट्वीट में एक तस्वीर साझा की गई है। इसमें एक सैनिक यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है। सैनिकों के हाथ में अमेरिकी राइफल है। तालिबान के इस करतूत पर अभी तक भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ना तो आज भारत 1761 वाला भारत है और ना ही अफगानिस्तान 1761 वाला अफगानिस्तान है। बड़े बड़े देशों के आगे कटोरा लेकर मदद की भीख मांगने वाले तालिबान को शायद ये अंदाजा नहीं है कि आज के भारत की सेना के आगे उनकी सेना कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगी।